हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु गुप्ता कुकी रिपीट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम दिवाली स्पेशल रेसिपीज में बनाने वाले हैं ड्राई समोसा रेसिपी। तो अक्सर आप हल्दीराम के बाजार से पैकेट वाले समोसे लेकर आते हैं जो केवल 15 दिन तक ही चलते हैं, लेकिन आज हम जो समोसा बनाने वाले हैं ना, उसे आप 2 से 3 महीने स्टोर कर सकते हैं। बस दिवाली से पहले ही आप ये तैयार करें और दिवाली आप अपनी एंजॉय करें। तो चलिए तैयार करते हैं ये स्पेशल ड्राई समोसे की रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसके लिए मैंने यहाँ एक मिक्सिंग बोल लिया है। आप कोई थाली, परात या कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें डो तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने लिया 2 कप मैदा और मैंने इस कप से मेजर किया है। तो आप कोई कटोरी से ले सकते हैं, कप से ले सकते हैं, किसी भी चीज से नाप कर 2 कप मैदा ले सकते हैं। अब हम डाल रहे हैं इसमें 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन, 1/4 टीस्पून लिया है नमक और ये तीनों चीजें हम मिक्स कर लेंगे एक बारी। अब हम इसको खस्ता बनाने के लिए यहाँ पर ले रहे हैं देसी घी। तो मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच देसी घी लिया है और मैंने जिस चम्मच से नाप कर लिया है, देखिए इस तरह की स्पून है, इससे नाप कर ही देसी घी लिया है। और देसी घी बहुत ज्यादा जमा हुआ नहीं है, यहाँ पर कुछ मेल्ट है और कुछ जमा हुआ सा है, सॉफ्ट टेक्सचर पर है। तो इसी तरह का देसी घी हमें यूज करना है। और अब हम इस देसी घी को इस आटे में मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से रब करते हुए हम इसे मिक्स करेंगे। इसका जो टेक्सचर है ना, वो ब्रेड क्रम्स के जैसा आएगा। अगर आप देसी घी डाल रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा हमारे यह समोसे तैयार होते हैं, बिल्कुल जैसे मार्केट के होते हैं ना खस्ता समोसे, बिल्कुल वैसे ही। और ड्राई मसाला है तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल ब्रेड क्रम्स जैसा इसका टेक्सचर हो चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका टाइट डो तैयार करेंगे। हमें जो इसका डो तैयार करना है, काफ़ी सख्त रखना है, बहुत सॉफ्ट नहीं रखना है, मीडियम नहीं रखना है, तो ये भी हमें ध्यान देना है। समोसे बनाते हुए कुछ टिप्स हैं, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो बहुत ही टेस्टी खस्ता समोसे आपके तैयार होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल रही हूँ, एक साथ में पानी हमें डालकर यूज़ नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, इस दिवाली के मौके पर आप इस तरीके से अगर समोसे बनाएंगे ना, तो सच मानिए मार्केट से तो आप बिल्कुल लाना भूल जाएंगे। घर पर आप ढेरों सारे समोसे आप बहुत जल्दी बना सकते हैं और 2 महीने तक आपको कोई टेंशन नहीं है। तो देखिए इस तरह से आटे को हमने पूरी तरह से स्मूथ कर लेंगे और देखिए कितना टाइट आटा है ये, एक बार मैं आपको चेक करा देती हूँ। और अब हम इसे ढककर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए और स्टफिंग हम तैयार करते हैं। तो समोसे बनाने के लिए जो हम स्टफिंग ले रहे हैं, वो घर से ही हमने कुछ नमकीन लिए हैं, जैसे ये मिक्सचर नमकीन है, ये भुजिया नमकीन है और दूसरी मूंग दाल नमकीन है। तो आप कोई भी नमकीन इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, मठरी ले सकते हैं, फाफड़ा यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी सेव किसी भी तरह की है आपके पास वो ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं, कुछ भी नमकीन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप नमकीन लिया है, ये 3 तरीके की। और अक्सर घर में जो बच जाती है ना नमकीन बाद में थोड़ी थोड़ी सी, तो उससे भी आप ये समोसे तैयार कर सकते हैं। तो बिल्कुल एक पुरानी नमकीन से एक नया नाश्ता आपका तैयार हो जाता है। तो ये नमकीन तो हमने सब मिक्स कर लिया, मिक्सर जार में डाल ली है और अब हम कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच तिल, जो वाइट सेसमी सीड्स आते हैं ना तिल, उसको मैंने यूज किया है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके का मैं एक बार हाथ पे दिखा देती हूँ। 1 चम्मच लिया है धनिया पाउडर। अब हमने यहाँ पर यूज़ किया 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर। तो लाल मिर्ची पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड करें, क्योंकि जो हमने नमकीन यूज़ की है ना उसमें भी मिर्ची है, तो उसी हिसाब से आप इसमें मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। अब हम ले रहे हैं 1 चम्मच सौंफ, तो ये भी हम इसमें मिक्स करेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और अब हम डाल रहे हैं इसमें 1/4 टीस्पून हींग, तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है और डाइजेशन में भी हेल्प मिलती है। तो
तो अब सबसे लास्ट में हम इसमें ऐड करने वाले हैं नमक। तो नमक मैंने बहुत थोड़ा डाला है मसालों के साथ ही, बहुत थोड़ा सा नमक लिया है क्योंकि जो हमारे पास नमकीन हमने यूज़ की है वो सब नमकीन तो है ही, तो बहुत हल्का सा नमक हम इसमें ले रहे हैं। और थोड़ा सा इसमें मिठास देने के लिए मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच चीनी। खट्टी मीठी ऐसा टेस्ट आएगा इसमें, अगर आपको मीठा टेस्ट नहीं पसंद है तो आप चीनी को स्किप कर सकते हैं। वैसे इसका जो ये खट्टा मीठा टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो देखिए यहाँ पर अब हमने ये ग्राइंड कर लिया है और बिल्कुल दरदरा सा पाउडर हमारा तैयार हुआ है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है इस मिक्सचर को, हमें थोड़ा सा दरदरा रखना है। और एक मिक्सिंग बोल लेकर अब हम ये उसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से ना एक बार कचौरियाँ जरूर तैयार कीजिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपकी कचौरियाँ कैसी बनी। वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब हम इसमें एक टैंगी सा टेस्ट देंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है रेड चिली सॉस, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, एकदम खट्टा मीठा चटपटा सा। इसकी जगह पर आप इमली का पल्प भी यूज कर सकते हैं। तो इसे हम पहले 1 चम्मच डालकर मिक्स कर लेते हैं और फिर टेस्ट करेंगे, फिर इसके बाद हम इसमें दूसरा स्पून मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच रेड चिली सॉस यूज की है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और एक बाइंडिंग भी आ जाती है। तो इसकी जगह पर इमली का पेस्ट यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये भी हमने मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसको रख देते हैं साइड में और आटे को चेक करते हैं। और अब हम इसका रोल तैयार कर लेंगे और इसमें से थोड़ा सा पोर्शन निकालेंगे। उसका हम रोल तैयार करेंगे और उसमें से छोटे छोटे से पेड़े लेंगे। बिल्कुल स्मूथ करते हुए ही हम इसका रोल बनाएंगे और अब हम इसमें से छोटे छोटे पेड़े निकाल लेंगे। तो बहुत बड़ा साइज नहीं निकालेंगे क्योंकि हम मिनी ड्राई समोसा बना रहे हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे समोसे बनते हैं नाश्ते के लिए। तो देखिए उसे भी हम स्मूथ कर लेते हैं पेड़े को इस तरह से। तो सभी पेड़े हम इस तरह से तैयार कर लेते हैं। तो पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं, देखिए बिल्कुल स्मूथ रखना है। और एक हमने निकाल लिया और बाकी हम ढक कर रख देंगे। तो अब हम इसे बेल लेते हैं, इसकी शीट तैयार करते हैं। तो शीट जो हम तैयार कर रहे हैं वो बहुत पतली नहीं रखनी है, बहुत मोटी भी नहीं रखनी है और थोड़ा सा साइज हमें उसको ओवल शेप में देना है। तो देखिए इस तरीके से हम उसे ओवल शेप में बनाएंगे और आप देख रहे हैं इसकी मोटाई। तो अब हम इसे बीच में से कट कर लेंगे इस तरह से, एक पोर्शन उठाएंगे। और अब हमने लिया है पानी, तो अब हम इसकी साइड पर देखिए इस तरह से पानी लगाएंगे ताकि ये इजीली चिपक जाएगा। तो अब इस तरह से इसको एक साइड को दूसरे ऊपर इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम उसे सील कर देंगे। तो इस तरह से देखिए बन गया ना अपने समोसे का, बिल्कुल अच्छी सी शेप आ गई है इसमें। और अब इस तरह से हम हाथ में लेंगे और जो हमारी कोन तैयार हुई है इसके अंदर हम भरेंगे फिलिंग जो हमने तैयार की थी। तो ये नमकीन वाली जो हमने स्टफिंग तैयार की थी, करीब 1/2 चम्मच इसमें आ जाती है और हल्का सा हाथ से हम उसे अंदर तक प्रेस कर देंगे। तो अब जो साइड्स है उस पर भी हम पानी लगाएंगे और इस तरह से सेंटर से सील करेंगे हम उसे। तो इस तरह से जब हम बनाते हैं ना तो बहुत अच्छी शेप आती है फ्रेंड्स। देखिए कितना अच्छा समोसा तैयार हुआ है, बिल्कुल वही मेथड है जैसे कि हम आलू का समोसा तैयार करते हैं, उसी तरीके से हमें इसको सील करना है। देखिए कितनी अच्छी शेप आई है ना समोसे वाली। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं ना तो आप हर तरीके का समोसा इसी तरह से तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक और दिखा देती हूँ। इस तरह से हम उसे फोल्ड करेंगे, ऊपर से चिपकाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह समोसे बनाना बहुत ही इजी है और घर के जो समोसे होते हैं वो बहुत टेस्टी होते हैं और सभी को पसंद आते हैं। तो एक बार आप ये बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। मार्केट के जो समोसे आप 15 दिन से ज़्यादा आप उसे स्टोर नहीं कर सकते हैं, स्मेल आने लगती है, लेकिन घर के समोसे आप 2 महीने तक खा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सभी समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं, लग रहे हैं ना कितने अच्छे देखने में। और अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए जो हमने ऑयल करना है वो बहुत लो हीट पर होना चाहिए, बहुत हल्का गरम तेल हमें चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है।
जब मैंने समोसा ऑयल में डाला है तो बिल्कुल नीचे बैठ गया है, बहुत हल्का हल्का बबल्स इसमें से आ रहा है। इसी तरह का ऑयल चाहिए। और सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रखना है, समोसा फ्राई करते हुए ऑयल हल्का गर्म होना चाहिए और हमारी हीट लो होनी चाहिए, पूरे टाइम लो हीट पर ही हमें इसे फ्राई करना है। अगर हम इसे बहुत तेज तेल में फ्राई कर लेते हैं ना, तो क्या होगा, समोसे के ऊपर मोटे मोटे बबल्स आ जाएंगे। बहुत बार देखा होगा आप समोसे तैयार करते हैं तो वो मोटे मोटे बबल्स समोसे के ऊपर आ जाते हैं, वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जब आप बनाएंगे ना, बहुत ही स्मूथ, बहुत टेस्टी, क्रिस्पी समोसा आपका तैयार होगा। तो सारे समोसे हमने कढ़ाई में भरकर अच्छे से डाल दिए हैं। अब हमें इसे बिल्कुल भी नहीं हिलाना है कुछ सेकंड तक, जब तक हमारे समोसे ऊपर की तरफ तैर कर नहीं आ जाते। तो यहाँ पर देखिए, अब समोसे हमारे सब ऊपर आ गए हैं बिल्कुल अच्छे से। देखिए, देख रहे हैं ना कितने अच्छे से बबल्स आ रहे हैं ऑयल में। तो अब हम इसे हल्का हल्का पलट लेंगे, बहुत आराम से पलटेंगे क्योंकि इस समय बहुत सॉफ्ट होते हैं समोसे। तो देखिए यहाँ पर अब मुझे फ्राई करते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं, हल्का सा गोल्डन कलर भी आ गया है। देखिए कितना अच्छे समोसे लग रहे हैं ना देखने में। तो बस आप इसी तरह से इस फेस्टिवल पर ये समोसे की रेसिपी एक बार ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी आप जरूर शेयर कीजिएगा। तो करीब 10 मिनट लगते हैं एक बैच को फ्राई करने में, लेकिन जो समोसे का टेस्ट होता है ना, यकीन मानिए सभी आपकी तारीफ करेंगे। तो देखिए अच्छा सा जब गोल्डन कलर आ जाता है तो हम इन्हें ऑयल से निकाल लेते हैं। अब तो कितना अच्छा समोसों में कलर आया है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुंह में आ रहा है पानी समोसे देखकर ही। तो फ्रेंड्स, आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री है, तो वो आप बहुत इजीली कर ही सकते हैं। तो इस तरह की नई नई वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब दिखाती हूँ मैं आपको समोसों को क्रिस्पी, कितने अच्छे से हमारे समोसे तैयार हुए हैं, कितने क्रिस्पी बने हैं। और देखिए इनकी शेप्स, एक एक समोसा लग रहा है ना जैसे आप ये मार्केट से खरीद के लाए हो आप। तो बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी से समोसे हमारे तैयार हुए हैं। मैं एक समोसा आपको खोल के दिखाती हूँ, देखिए कितना क्रिस्पी समोसा है। वाओ, देखिए कितनी अच्छी स्टफिंग है, कितना क्रिस्पी एकदम कुरकुरा सा समोसा है। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही खस्ता समोसे हमारे तैयार हुए हैं। और तो फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और नई रेसिपी के साथ।